कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियों के लिए बागी बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। दोनों पार्टियों के बड़े नेता अब बागियों से बातचीत कर उन्हें मनाने में जुटे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हिमाचल में खेल बिगाड़ेंगे बागी? क्या हिमाचल में बागी बिगाड़ेंगे खेल? कांग्रेस बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बने बागी। बागियों को मनाने में जुटी कांग्रेस बीजेपी। हिमाचल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हिमाचल प्रदेश में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 18 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी से बड़ी संख्या में बागियों के मैदान में उतरने से दोनों पार्टियां परेशान हैं। टिकट न मिलने से नाराज होकर मैदान में उतरने वाले बागियों की संख्या करीब 2 दर्जन है। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां बागियों को मनाने में जुटी हैं। ये हैं कांग्रेस के बागी हरीश जनारथा। पिछला चुनाव शिमला शहर से हारने पर कांग्रेस ने इस बार हरीश जनारथा का पत्ता काट दिया। शिमला शहर से कांग्रेस ने हरभजन भज्जी को टिकट दिया तो नाराज हरीश जनारथा ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। अब कहना है, ना तो पार्टी छोड़ूंगा और ना ही पीछे हटूंगा। बागी तो मैं हुआ नहीं हूँ, ना मैं पार्टी छोड़ के जाऊंगा, ना ही मेरे को। नुकसान तो सर पार्टी को ही होगा ना, अगर आप चुनाव लड़ेंगे, जाना पहचाना फेस है, पार्टी की वोट कटेंगे। पार्टी की वोट नहीं कटेंगे, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं जीत रहा हूँ तो फिर क्या होगा, मैं तो कहीं और तो नहीं जाऊंगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हर चुनाव में टिकट नहीं मिलने से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता बागियों के संपर्क में हैं और इन्हें मना लिया जाएगा। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी बागियों के भीतरघात से चिंतित है। बीजेपी के दर्जन भर से ज्यादा बागियों को मनाने के लिए संगठन महामंत्री रामलाल खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों को थोड़ा बहुत मन मुटाव है, उन सब लोगों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के नेता संपर्क में हैं और हम सब उनको मनाने में कामयाब होंगे। कल हिमाचल में नाम वापसी का आखिरी दिन है। दोनों पार्टियां बागियों से परेशान भी है, लेकिन भरोसा भी जता रही हैं कि बागियों को मना लिया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किल ये है कि दोनों ही पार्टियों के सामने बागी उम्मीदवारों की संख्या अच्छी खासी है। दोनों पार्टियों के तमाम बड़े नेता बागियों को मनाने में जुटे हैं। 26 तारीख नामांकन वापसी की तारीख है। अब ऐसे में देखना होगा कि दोनों पार्टियां इस मामले में किस हद तक कामयाब हो पाती हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।